Sure, let's go. Everybody is here, I guess. Okay, let's go. Hi, everyone. Sure. आवाज आ रही है सबको ठीक से? लेट्स गो. स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्ट करना अच्छे तरीके से. अभी हम जाने वाले हैं हमारे अगले रिवीजन के ऊपर. और अगर हम हमारा जो अगला रिवीजन है दैट इज रिगार्डिंग चैप्टर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन, जो आपने टाइटल में पढ़ा हुआ होगा. ठीक है, लेट्स गो. सो आज ये सब जन श्योर, लेट्स गो. सबसे पहली चीज, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट के अंदर सबसे पहले आपको जानना है कि कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट के अंदर सबसे पहला प्रोसेस क्या है. द फर्स्ट प्रोसेस अंडर द चैप्टर कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट इज ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट इटसेल्फ. ये चैप्टर सेक्शन नंबर 230 से लेकर सेक्शन नंबर 240 तक जाता है. सबसे लंबा प्रोसेस है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का, 230 एंड 231. सबसे पहले हम उसको फिनिश करेंगे. ठीक है. सो व्हाट डन बाय कॉम्प्रोमाइज? कॉम्प्रोमाइज वर्ड का मीनिंग होता है मांडवली. व्हाट डन बाय अरेंजमेंट? अरेंजमेंट वर्ड का मीनिंग होता है कि जिसके अंदर अमलगमेशन, मर्जर, रिकंस्ट्रक्शन, ये सब चीजें आ जाएगी. कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट मतलब अगर आपका किसी के साथ डिस्प्यूट हुआ है तो आप मर्जर, अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन है कोई भी चीज करके उस चीज को ठीक कर दो, ये मतलब है इसका. तो बेसिक में नहीं याद रखना, कोई रिकंस्ट्रक्शन करके अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट का. सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट में अप्लीकेशन किया जाता है एनसीएलटी को. यह होता है नॉर्मली डिस्प्यूट बिटवीन क्रेडिटर्स मेंबर्स सबसे पहले, फिर डिस्प्यूट बिटवीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और क्रेडिटर्स, फिर डिस्प्यूट बिटवीन डायरेक्टर एंड मेंबर्स, एंड फिर डिस्प्यूट बिटवीन वर्कमैन, एम्प्लॉइज और अदर क्रेडिटर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मेंबर्स. सो इसके लिए सबसे पहले एप्लीकेशन किया जाता है क्रेडिटर मेंबर से. उसमें सबसे पहले एप्लीकेशन किया जाता है कंपनी या मेंबर या क्रेडिटर या लिक्विडेटर एज द केस में भी. और साथ में एप्लीकेशन के आपको मेंशन करना है स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट जो भी अप्लाई कर रहा है. फिर एनसीएलटी को आपको डिस्क्लोजर देना है कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ऑडिटर रिपोर्ट क्या है, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए एनसीएलटी के हाथ में तो कुछ चाहिए. सो ये बताना है आपको कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, रिकंस्ट्रक्शन क्या है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हो सकता है क्या, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग हो सकता है क्या. इसके लिए आपने स्कीम देना चाहिए, आरबीआई की गाइडलाइंस को आपने फॉलो करना चाहिए, वैल्यूएशन रिपोर्ट्स प्रॉपर्टी और शेयर के सबमिट करने चाहिए, तो कंपनी का फाइनेंशियल कच्चा चिट्ठा बाहर आएगा. फिर एनसीएलटी इस नोटिस को मेंबर्स और क्रेडिटर्स को देना की कोशिश करेगा. एनसीएलटी बोलेगा मेंबर्स क्रेडिटर्स की मीटिंग लो, पहले उनका अप्रूवल लो, फिर हम देखेंगे कि इसको अप्रूव करना है या नहीं. अगर एनसीएलटी ने अप्रूव कर दिया और मेंबर ने डिसअप्रूव कर दिया तो एनसीएलटी का समय वेस्ट हो जाएगा. तो पहले मेंबर्स और क्रेडिटर्स का अप्रूवल ले लेते हैं, फिर एनसीएलटी का हम अप्रूवल लेंगे, जिसके अंदर ऑल क्रेडिटर्स मेंबर्स को हम नोटिस भेजेंगे, जिसके अंदर हम वैल्यूएशन स्कीम एक्सप्लेनेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मैनेजर पर्सन के इंटरेस्ट, लिस्टेड कंपनी है तो हम वेबसाइट के ऊपर इसको पब्लिश करने की कोशिश करेंगे, अगर कोई और डिस्क्लोजर है तो हम उसको देने की कोशिश करेंगे अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस, जो हम स्कीम रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन करेंगे उसके अंदर. फिर अगला स्टेप, तीन स्टेप हमारे हो गए, सबसे पहले एप्लीकेशन टू एनसीएलटी, डिस्क्लोजर्स टू एनसीएलटी और तीसरा नोटिस टू मेंबर्स एंड क्रिएटर. फिर वोटिंग किया जाएगा. वोटिंग के अंदर आपने याद रखना है सबसे पहले मेंबर में वोट इन मीटिंग बाय देमसेल्फ और बाय प्रॉक्सी. सेकंड, मेंबर कैन वोट इन अ पोस्टल बैलॉट विद इन 1 month ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस. 1 महीने के अंदर रिसीट ऑफ नोटिस से वो पोस्टल बैलॉट से वोट कर सकते हैं और वो काउंट भी किया जाएगा. और अगर किसी मेंबर को इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन है तो मिनिमम 10 शेयर होल्डर्स ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, 10%. और अगर ये डेप्ट होल्डर्स है तो मिनिमम 5% डेट होल्डर ऑब्जेक्शन ले सकते हैं कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के खिलाफ, क्योंकि मेंबर की मीटिंग अलग होती है, क्रिएटर्स की मीटिंग अलग होती है. फिर नोटिस देना पड़ता है अथॉरिटीज को. जैसे हम नोटिस देंगे सेबी, आरओसी, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, लिक्विडेटर, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ऐसे अथॉरिटीज को जो इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन ले सकते हैं 30 डेज के अंदर. उसके बाद में हम अप्रूवल ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट देखेंगे.
जो बेसिकली 75% ऑफ वैल्यू और मेजोरिटी ऑफ नंबर से मेंबर देंगे, और क्रिएटर्स भी 75% ऑफ वैल्यू और मेजोरिटी ऑफ नंबर से देंगे। बहुत सारे बच्चों को ये सिचुएशन समझ में नहीं आता, मैं इसको समझाऊंगा, जस्ट वेट। ये स्कीम सैंक्शन और रिजेक्ट होगा, फिर उसके बाद में एनसीएलटी स्कीम को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है, फिर उसके बाद में एक बार ये एक्सेप्ट होने के बाद सबके ऊपर बाइंडिंग रहेगा। अब ये मेजोरिटी ऑफ नंबर एंड 75% वैल्यू ऑफ, क्या किस्सा क्या है सर, ये किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से आपने इसको देखना चाहिए। तो आ जाओ बोर्ड के ऊपर, जरा ध्यान देना। ये देखिए, सो मेजोरिटी ऑफ नंबर्स एंड प्रेजेंट, मेजोरिटी ऑफ नंबर्स एंड 75% ऑफ वैल्यू, सबसे पहले प्रेजेंट एंड वोटिंग का, ठीक है, जो घर पे बैठे उनका नहीं काउंट करना है। मेंबर्स का मीटिंग अलग, क्रिएटर्स का मीटिंग अलग, सेपरेट सेपरेट मीटिंग लेना चाहिए। समझो 100 मेंबर्स है होल्डिंग 2 करोड़ का कैपिटल, तो 51 मेंबर्स होल्डिंग 1.5 करोड़ का कैपिटल ने इसको हाँ बोलना चाहिए, मेजोरिटी नंबर 75% का वैल्यू। सो अगर 60 लोगों ने, 60 मेंबर्स यस बोलते हैं जिन्होंने सिर्फ 1.2 करोड़ का कैपिटल होल्ड किया है, काम नहीं बनेगा। 40 मेंबर होल्ड हाँ बोलते हैं जिन्होंने 1.7 का करोड़ का कैपिटल होल्ड किया है, नहीं चलेगा। अगर ये 55 मेंबर्स है जो 1.52 करोड़ का कैपिटल होल्ड कर रहे हैं और हाँ बोलते हैं, तो चल जाएगा। मेजोरिटी नंबर 75% ऑफ वैल्यू दोनों होना चाहिए। सेम विद क्रिएटर, 200 करोड़ के क्रिएटर, 200 क्रिएटर 10 करोड़ का डेट होल्ड करके रखते हैं तो हमको 101 क्रिएटर लगेंगे 7.5 करोड़ होल्ड करने वाला। सो लास्ट केस में एप्लीकेशन वैलिड हो सकता है, 105.76 करोड़ होल्ड करने वाला। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। चलो डन एवरीबॉडी। ये चीज होने के बाद में मैं जा रहा हूं, 6 स्टेप्स हो गए हैं। पहला स्टेप एप्लीकेशन टू एनसीएलटी, डिस्क्लोजर टू एनसीएलटी, नोटिस टू मेंबर्स एंड क्रिएटर्स। वोटिंग हो चुका है, नोटिस टू अथॉरिटी, वो 30 डेज के अंदर ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। वोटिंग के अंदर 10% शेयर होल्डर्स, 5% डेट होल्डर्स ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। अप्रूवल मेजोरिटी नंबर 75% ऑफ वैल्यू से होना चाहिए। एनसीएलटी अप्रूव या रिजेक्ट कर सकता है, फिर यह सबके ऊपर बाइंडिंग होगा। फिर उसके बाद डिटेल ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी, एनसीएलटी कन्वर्जन ऑफ इक्विटी इंटू प्रेफरेंस शेयर, या जो भी तरीके का प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी में कन्वर्जन बोल सकता है। इंटरेस्ट ऑफ क्रिएटर को प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर पास करेगा। शेयर होल्डर के राइट वेराई करने हैं तो उसका ऑर्डर पास किया जाएगा। एंड पेंडिंग प्रोसीडिंग है बीआईएफआर के खिलाफ, तो कंक्लूड किया जाएगा। क्लियर है आंसर? फिर ये ऑर्डर एनसीएलटी का आरओसी को फाइल करो। आरओसी को कुछ चीजें आपने फाइल करनी है। पहला तो 30 डेज में ऑर्डर फाइल करना है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का स्कीम फाइल करना है, ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एमओए, एओई, ये सब चीजें आपने फाइल करनी है जो रिकंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी है। फिर उसके बाद में मिसलेनियस प्रोविजन, सबसे पहले एनसीएलटी क्रिएटर्स के मीटिंग लेने से मना कर सकते हैं अगर 90% क्रिएटर मीटिंग लेने के लिए रेडी नहीं है। तो बायबैक, ये सेपरेटली सेक्शन 68 में इस सेक्शन के साथ गवर्न किया जाएगा। टेक ओवर अगर इन्वॉल्व है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में, जैसे अरेंजमेंट वर्ड के अंदर टेक ओवर रिकंस्ट्रक्शन सब आता है, तो आपको सेबी का अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर लिस्टेड कंपनी है। तो एग्रीड पार्टी हमेशा एनसीएलटी को अप्लाई कर सकता है अगेन सच अ टेक ओवर। उसके बाद में अब स्कीम का सुपरविजन और इंप्लीमेंटेशन कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का करना पड़ेगा जो एनसीएलटी करेगा। एनसीएलटी साथ में डायरेक्शंस भी देगा कि किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करना चाहिए। अगर ये कुछ भी वर्कआउट नहीं हुआ तो अल्टीमेटली कंपनी का वाइंडिंग अप हो सकता है, जिसको ऑर्डर भी खुद एनसीएलटी पास करेगा। यह है 11 स्टेप की प्रोसेस। अगेन एक बार बोल दूं, पहला स्टेप एप्लीकेशन टू एनसीएलटी, दूसरा डिस्क्लोजर्स टू एनसीएलटी, तीसरा दैट इज नोटिस टू मेंबर्स एंड क्रिएटर्स, चौथा वोटिंग बाय मेंबर्स क्रिएटर्स, 10% इक्विटी शेयर होल्डर प्रोहिबिट कर सकते हैं, 5% डेट होल्डर मना कर सकते हैं, फिर नोटिस टू अथॉरिटीज 30 डेज में ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, अप्रूवल मेजोरिटी नंबर 75% ऑफ वैल्यू, एनसीएलटी का अप्रूवल लगेगा, सबके ऊपर बाइंडिंग रहेगा। फिर उसके बाद में बोला गया है ऑर्डर्स बाय एनसीएलटी, कन्वर्जन के ऑर्डर्स पास कर सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज बोली गई है कि आरओसी को फाइलिंग करना है, 6 चीजें फाइल करनी है, 6 पॉइंट्स याद रखने हैं, 30 डेज में फाइल करना है, स्कीम फाइल करना है, एमओए एओए फाइल करना है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना है, और साथ साथ में बोला गया है कि आपने ये सब चीज 30 डेज के अंदर तो फाइल करनी ही चाहिए। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना। ये चीज होने के बाद में अगले चीज के ऊपर हम गए थे। इसके बाद हमने देखा था कि भाई मिसलेनियस प्रोविजंस कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के अंदर मिसलेनियस ऑर्डर कौन कौन से पास होंगे। 90% क्रिएटर मना करे तो आप डिस्पेंस कर सकते हो मीटिंग को। टेक ओवर के केस में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आपको अप्रूवल देगा। एग्रीड पार्टी एनसीएलटी को अप्लाई कर सकता है। फिर सुपरविजन, मॉडिफिकेशन, इंप्लीमेंटेशन, अगर ये वर्क नहीं किया तो वाइंडिंग अप हो ही सकता है। यह है सेक्शन 230 से 231 का पूरा सिचुएशन। क्लियर? फिर इसके बाद में काम की चीज आती है 232 एंड 233, विच इज रिगार्डिंग बच्चों
सबसे पहले अमल कमीशन बाय सेल ऑफ अंडरटेकिंग, और दूसरी चीज अमल कमीशन दैट इज फास्ट ट्रैक मर्जर। क्लियर है कंसेप्ट? इसके लिए मैंने चार्ट बना के रखा है। सबसे पहले स्लो ट्रैक मर्जर, मैं 232 को स्लो ट्रैक मर्जर कहता हूँ, 233 को फास्ट ट्रैक मर्जर कहता हूँ, बिकॉज दोनों सेपरेट है। क्लियर है कंसेप्ट? सो स्लो ट्रैक मर्जर, स्लो ट्रैक मर्जर इसको हम अमल कमीशन बाय सेल ऑफ अंडरटेकिंग भी कहते हैं कई बार। क्लियर है कंसेप्ट? सो अगर अमल कमीशन करना है, देखो स्लो ट्रैक मर्जर तब होगा जब रिस्क ज्यादा है, मटेरियलिटी ज्यादा है। फास्ट ट्रैक मर्जर तब होगा जब छोटी छोटी कंपनी से जल्दी मर्जर करना है। ठीक है, स्लो ट्रैक मर्जर सबसे पहले अगर आपको रिकंस्ट्रक्शन करना है, आपको मर्जर रिकंस्ट्रक्शन में इंटरनल एक्सटर्नल मर्जर या अमल कमीशन करना है, या आपको अंडरटेकिंग ट्रांसफर करना है। क्लियर है कंसेप्ट? तो ऐसे सिचुएशन में आपने सर्कुलेशन ऑफ स्कीम एंड इंफॉर्मेशन करना चाहिए। पहले तो स्कीम ड्राफ्ट करो, आरओसी को फाइल करो, ड्राफ्ट किया हुआ स्कीम रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपने फाइल करना है, रिपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट आपने फाइल करना है, अकाउंट स्टेटमेंट आपने फाइल करना है। क्लियर है? अगर रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेवरेबल है, स्कीम आगे वर्कआउट करेगा, ये सब चीजें बनाने के बाद अप्रूवल लिया जाएगा मेंबर क्रिएटर से, सेम अप्रूवल है मेजोरिटी नंबर 232 में एंड 75% ऑफ वैल्यू। फिर उसके बाद ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी आएगा जो ई फॉर्म नंबर CAA8 में, CAA7 में कवर किया जाता है, अप्रूवल दिया जाएगा। उसके बाद में डेट ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी ट्रांसफर या एनसीएलटी बोलेगा कि किस दिन आपके असेट लाइबिलिटी दूसरे को ट्रांसफर होंगे, इंस्ट्रूमेंट स्कीम मतलब किस तरीके से आपके शेयर्स ट्रांसफर होंगे इसका इंस्ट्रूमेंट और स्कीम बनाया जाएगा, लीगल प्रोसीडिंग्स किस तरीके से ट्रांसफर होंगे, केस लॉ कैसे ट्रांसफर होगी इसका, और किस तरीके से डिसोल्यूशन होगा इसका। साथ में डिसेंटिंग शेयर होल्डर एट मैक्स 25% हो सकते हैं, उससे आधा बढ़े तो स्कीम ये वापस रिवोक किया जाएगा। एनआरआई शेयर होल्डर के लिए स्पेशल प्रोविजन बोली जा सकती है, एम्प्लॉय ट्रांसफर के लिए बोला जा सकता है, लेकिन एम्प्लॉय अगर रिजाइन करे तो उसको कंपेंसेशन भी मिल सकता है। लिस्टेड कंपनीज के केस में सेबी ये गाइडलाइंस बोलेगा, एनसीएलटी सेपरेट गाइडलाइंस बोलेगा। ऑथोराइज कैपिटल टोटल कंपनी का कितना होगा ये बताना जरूर है। क्लियर है कंसेप्ट? बिकॉज मर्जर हो रहा है। फिर आपने ये आरओसी के साथ फाइल करना चाहिए, ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी, स्कीम सीए फॉर्म नंबर 8 में आपने फाइल करना है, एमओएओए ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, मेंबर्स एंड क्रिएटर्स का स्टेटमेंट या अप्रूवल ये आपने फाइल करना है। डेट ऑफ स्कीम एंड इट्स इंप्लीमेंटेशन आपने फाइल करना है। अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया तो कंपनी को 1 लाख से 25 लाख, ऑफिसर को 1 साल तक की जेल और 1 लाख से 3 लाख का पेनल्टी लग सकता है। यह चीज को आपने याद रखना है। यह है सेक्शन 232। कंसेप्ट समझ में? आधे से ज्यादा चीजें इसकी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की स्कीम की जैसी है। फिर आता है फास्ट ट्रैक मर्जर। फास्ट ट्रैक मर्जर मतलब अमलगमेशन, ये थोड़ा सा लिबरल है क्योंकि ये छोटे कंपनीज के लिए है। दो स्मॉल कंपनी मर्जर करना चाहती है, रूल 25 में अगर कोई कंपनी बोली गई है जो स्लो ट्रैक, अगर जो बड़ी है, सब्सटेंशियल है, जिसके अंदर कंपनीज को स्पेसिफिकली डिसअलाउ किया गया है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में वो कंपनी स्लो ट्रैक मर्जर के अंदर वर्कआउट कर सकती है। लेकिन जो कंपनी नॉन स्पेसिफाइड कंपनीज है वो स्लो ट्रैक मर्जर में जाएगी। एनएससी मतलब नॉन स्पेसिफाइड कंपनी स्लो ट्रैक मर्जर में जाएगी। जो रूल 25 में कंपनी बोली है फास्ट ट्रैक मर्जर में रहेगी। वोल्यू ऑन सब्सिडरी है और होल्डिंग कंपनी है जो एक दूसरे से मर्जर करना चाहता है तो ये फास्ट ट्रैक मर्जर में ही रहेंगे। अप्रूवल लगेगा। अब ये फास्ट ट्रैक मर्जर है, ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए 90% शेयर होल्डर का अप्रूवल बोला है। क्रेडिटर्स में 90% ऑफ वैल्यू, मेजोरिटी इन नंबर बोला है, मेजोरिटी इन नंबर, होल्डिंग 90% ऑफ वैल्यू, लेकिन यहां पर स्टेट में 90% शेयर होल्डर बोला है इन वोटिंग सेंस। क्लियर है? इसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स नहीं बोला है। फिर अगर ये नहीं पास हुआ, फास्ट ट्रैक मर्जर कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको वापस स्लो ट्रैक मर्जर में जाना पड़ेगा। मतलब ये अप्रूवल अगर पास नहीं हुआ तो फास्ट ट्रैक मर्जर नहीं हो सकता, यू हैव टू गो इन स्लो ट्रैक मर्जर वाला केस। लेकिन ये अप्रूवल पास हो गया तो आपको फॉर्म नंबर CAA9 के अंदर, अगर आरओसी या लिक्विडेटर को ऑब्जेक्शन है तो CAA9 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑब्जेक्शन पुट कर सकते हैं। कंसेप्ट समझ में? साथ में CAA11 CAA12 फाइल करने पड़ेंगे ऑब्जेक्शन के डिटेल्स और डॉक्यूमेंट के लिए। कंसेप्ट समझ में? आरओसी नॉर्मली एक्टिव कंपनी के फाइल करता है, लिक्विडेटर डिफंक कंपनी के लिए फाइल करता है। सॉल्वेंसी स्टेटमेंट्स आपको साथ में आपको देना पड़ेगा, बिकॉज आप ऑब्जेक्शन ले रहे हो तो कंपनी सॉल्वेंट है या इनसॉल्वेंट है बताना पड़ेगा CAA10 में। क्लियर है? अभी देखो कितने फॉर्म ने देखे, CAA7 CAA8 CAA9 10 11। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट को इसको अप्रूव कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। सीजी ने अगर इसको रिजेक्ट कर दिया तो अगेन स्लो ट्रैक मर्जर होगा। मतलब देखो, जहां कहीं पे भी आप फास्ट ट्रैक मर्जर में फेल हो रहे हो, इट विल बी अ प्रोसेस ऑफ स्लो ट्रैक मर्जर। फिर अप्रूवल आ गया सीजी का तो ऑर्डर पास किया जाएगा, मर्जर हो जाएगा फास्ट ट्रैक मर्जर के अंदर, कंपनी पूरी की पूरी दूसरे कंपनी को ट्रांसफर कर दी जाएगी। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, असेट लाइबिलिटी ट्रांसफर होंगे, चार्जेस ट्रांसफर होंगे, एम्प्लॉइज ट्रांसफर होंगे, सभी केस लॉस ट्रांसफर होंगे। मैक्सिमम 10% डिसेंडिंग शेयर होल्डर हो सकते हैं, बिकॉज 90% का अप्रूवल लगता है। लीगल प्रोसेस सभी के सभी स्टॉप हो जाएगी, अगर कंपनी के खिलाफ कोई चल रही है तो लीगल लिटिगेशन है तो वो ट्रांसफर हो सकते हैं एज पर सीजी ऑर्डर, एनसीएलटी ऑर्डर। अदर ऑर्डर्स अगर कोई जरूरी है तो पास किया जाएगा। फाइलिंग ऑफ आरओसी सेम रहेगा, ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी, स्कीम एमओए एओए, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, मेंबर्स और क्रेडिटर्स का अप्रूवल, एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन
फास्ट ट्रैक मर्जर में अप्रूवल अगर मिलता है तो फास्ट ट्रैक मर्जर, अगर कभी भी फास्ट ट्रैक मर्जर रिजेक्ट होता है तो ऐसे सिचुएशन में आप स्लो ट्रैक मर्जर में ही जाते हो। ये है सेक्शन नंबर 233। चार्ट किस तरीके से समझ में आया, नहीं आया, कैसा लगा ये मुझे जरूर बताना। मैंने इसको ज्यादा से ज्यादा डिटेल में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेकर रखो, कंपेरेटिव ही एनालिसिस देकर रखा है। गो फॉर इट फास्ट। थैंक यू सो मच गाइस। बूस्टर बुक शिखर एंड क्वेश्चनेयर आर सफिशिएंट, चार्ट कॉपी नहीं। थैंक यू सो मच राजेश बेटा, थैंक यू सो मच शुभम। vsmartacademy.com के ऊपर अवेलेबल है 9850351। सेक्शन एट कंपनी दूसरे सेक्शन एट के साथ मर्ज हो सकती है, सीजी अप्रूवल लगता है पर बेटा। शुभम थैंक यू सो मच प्रमोद। राहुल नीचे का स्क्रीनशॉट ले लो। उसके नीचे का भी ले लो। ये वाला स्क्रीनशॉट भी ले लो। ये वाला भी ले लो। चलो डन, हो गया सबका। अब ये चीज होने के बाद में हम अगले कंटेंट के ऊपर जा रहे हैं। सेक्शन नंबर 232, 233 हमारा हो चुका है। 234 अमल कमीशन विद द फॉरेन कंपनी है। अमल कमीशन विद द फॉरेन कंपनी बहुत सिंपल है, मैं इसको मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपल है, उसके अंदर ज्यादा टेंशन नहीं है, मैं सिंपली इसको समझाता हूं। अगर कोई इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी में मर्ज हो रही है, इंडियन कंपनी अगर फॉरेन कंपनी में मर्ज हो रही है तो फॉरेन कंपनी से इंडियन शेयर होल्डर्स को एक तो शेयर्स दिए जाएंगे फॉरेन कंपनी के, वो इन द फॉर्म ऑफ आईडीआर दिए जाएंगे, या तो फिर उसको मॉनेटरी कंपेंसेशन दिया जाएगा। ये किस तरीके से दिया जाएगा, ये गवर्न किया जाएगा आरबीआई की तरफ से, वो भी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर, इतना ही बोला है। क्लियर है आंसर? सेक्शन छोटा सा है, 234 एक बार खुद पढ़ने की कोशिश करना। बाकी अगर फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी में मर्ज हो रही है तो हम उसको फेमा गाइडलाइन और सीजी अप्रूवल्स के साथ में और आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से देखेंगे, इतनी चीज को याद रखना। अब मैं जा रहा हूं 235 के ऊपर, डिसेंटिंग शेयर होल्डर और 236 माइनॉरिटी शेयर होल्डर, ये दोनों भी चार्ट कंपैरिजन के अंदर मैंने रखे हुए हैं। पहले चीज तो ये दोनों सेक्शन में डिफरेंस क्या है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता इसलिए समझना। सबसे पहले डिसेंटिंग शेयर होल्डर, डिसेंटिंग शेयर होल्डर मतलब देखना, जब ट्रांसफरर कंपनी ट्रांसफरी कंपनी को ट्रांसफर होती है एट अ स्टेज, एकदम से कि पूरा का पूरा ट्रांसफर कंपनी ट्रांसफर हो गया अमल कमीशन स्कीम में, अमल कमीशन स्कीम में, तो 90% शेयर होल्डर्स यस बोलते हैं विद इन 4 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ गिविंग नोटिस इन केस ऑफ फास्ट ट्रैक मर्जर, क्योंकि फास्ट ट्रैक मर्जर में 90% बोला है तो हम 90% पहुंचे हैं। जो 10% डिसेंटिंग शेयर होल्डर है वो नहीं बोलेंगे, ठीक है। उन 10% डिसेंटिंग शेयर होल्डर को 4 महीने खत्म होने के बाद 2 महीने के अंदर हम नोटिस देते हैं कि हम आपके शेयर फिर भी एक्वायर करना चाहते हैं, जैसे टाटा कंपनी ने कोरस को नोटिस दिया। कोरस कंपनी के 10% शेयर होल्डर नहीं बोले, इमेजिन कोरस इज इंडियन कंपनी, तो कोरस कंपनी के 10% शेयर होल्डर नहीं बोले, तो टाटा कंपनी 4 महीने तक वेट करेगा, 4 महीने बाद 2 महीने के अंदर वापस एक नोटिस देगा कि हम आपके शेयर फिर भी एक्वायर करना चाहते हैं, क्योंकि 90% ने हाँ बोला है तो आपको क्या दिक्कत है। और एनसीएलटी भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अगर एनसीएलटी सपोर्ट करना है तो उसको अप्लीकेशन करो, तो हम 2 महीने के अंदर नोटिस देंगे, एक तो शेयर दो नहीं तो एनसीएलटी को अप्लाई करो, तो वो लोग डिसेंडिंग शेयर होल्डर एनसीएलटी को अप्लाई कर सकते हैं। एनसीएलटी को अगर ऐसा लगा कि ये पेटेंटली अनफेयर स्कीम है, बहुत गजब अनफेयर स्कीम है, अमल कमीशन पब्लिक हित में नहीं है या शेयर होल्डर के हित में नहीं है, एनसीएलटी अमल कमीशन को स्टॉप कर देगा, क्लियर है। लेकिन एनसीएलटी को लगा कि ये फालतू एप्लीकेशन किया है, 90% ने हाँ बोला है, 10% ही जबरदस्ती प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो ऐसे की सिचुएशन में ट्रांसफरर कंपनी टीआर, मतलब मैं ऊपर से बोल रहा हूं ट्रांसफरर कंपनी टीआर कंपनी, टी मतलब ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी खुद के शेयर्स डिसेंटिंग शेयर होल्डर के ट्रांसफरी कंपनी के नाम पर रजिस्टर कर देगा, और 1 महीने के अंदर आपने नोटिस दे देने हैं डिसेंटिंग शेयर होल्डर को कि आपके शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं। ट्रांसफरर कंपनी दो अकाउंट खोलेगा, एक अकाउंट डीमैट का, एक अकाउंट बैंक का। डीमैट अकाउंट में डिसेंटिंग शेयर होल्डर के 10% शेयर लाए जाएंगे, डीमैट में डाले जाएंगे और ट्रांसफरी कंपनी को दे दिए जाएंगे, आप इनके होल्डर हुए। ट्रांसफरी कंपनी से कंपेंसेशन आएगा, वो ट्रांसफरर कंपनी एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखेगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर कोरस कंपनी हूं तो मैं क्या करूंगा, एक पहले तो शेयर लूंगा
सभी डिसेंटिंग शेयर होल्डर के ट्रांसफर कंपनी को दे दूंगा, उनसे पैसा लूंगा, एक बैंक अकाउंट में डालूंगा और ये बैंक अकाउंट से डिसेंटिंग शेयर होल्डर को मनी ट्रांसफर कर दूंगा अगर उनके बैंक डिटेल है, या तो फिर उनको डिमांड ड्राफ्ट या चेक या कोई भी सिचुएशन ट्रांसफर कर दूंगा जो उनका पैसा दे सकती है। ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। अल्टीमेटली ट्रांसफर विल क्रिएट अ सेपरेट बैंक अकाउंट, डिपॉजिट किया जाएगा कंसिडरेशन ट्रांसफरी से, डिसेंडिंग शेयर होल्डर कैन क्लेम अ कंसिडरेशन फ्रॉम सेम, ये एज गुड एज जबरदस्ती एक्विजिशन क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि 90% हाँ बोल दे तो 10% को क्या दिक्कत है, ये सवाल के हिसाब से क्लियर है कंसेप्ट सबको। वैसे भी 10% अंदर रहेंगे खुश थोड़ी रहेंगे जब 90% कोई पूरा का पूरा कैपिटल होल्ड कर रहा है, तो गवर्नमेंट ने इस चीज को स्ट्रेट अवे जबरदस्ती एक्वायर करने का स्कीम दे दिया है। ये चीज होने के बाद में अगला है माइनॉरिटी शेयर होल्डर। अब देख रहा माइनॉरिटी शेयर होल्डर और डिसेंडिंग में फर्क क्या है जरा समझना। डिसेंडिंग शेयर होल्डर में अमल कमीशन मर्जर के लिए टाटा कंपनी ने कोरस कंपनी को ऑफर दिया, हम आपके शेयर एक्वायर करना चाहते हैं, 90% ने हाँ बोला, 10% नहीं बोले, तो उनका 235 में डिस्कशन है, मतलब मर्जर का ऑफर दे दिया, अमल कमीशन का शेयर टेक ओवर का ऑफर दे दिया और 10% ने ना बोला तो किस तरीके से एक्वायर होगा ये बोला गया है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग के वक्त, माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग बड़े अच्छे तरीके से याद रखना अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल है, माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग में आप धीरे 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 टाटा कंपनी कोरस के शेयर धीरे धीरे एक्वायर कर रही थी 10 सालों से, थोड़ा एक्वायर किए थोड़ा एक्वायर किए थोड़ा एक्वायर किए थोड़ा एक्वायर किए और धीरे धीरे जाके अब वो 90% पे पहुंच गए। मतलब अब टाटा कंपनी अननोइंगली कोरस का 90% शेयर होल्डर लेता है। देखो एक्वायरर अ पर्सन इन कंसर्न ग्रुप ऑफ पर्सन और एनी एंटिटी बिकम 90% शेयर होल्डर धीरे धीरे करके, तो आपने स्टेट अवे कंपनी को नोटिस देना है कि बचे हुए 10% शेयर भी अभी हमको दे दो, हम धीरे धीरे 90 तक पहुंचे, अब हमको पूरा ही एक्वायर करना है। और माइनॉरिटी के 10% को आप ऑफर दे दो कि उनके शेयर हम एक्वायर करना चाहते हैं, एवी नहीं रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यूएशन करवा के एक्वायर करना चाहते हैं। या तो फिर माइनॉरिटी कैन ऑल्सो, जब अगर माइनॉरिटी को पता चला अरे टाटा कंपनी 90% शेयर होल्डर नहीं, माइनॉरिटी भी ऑफर दे सकती है टाटा कंपनी को, तुम ऑलरेडी 90% होल्ड करके रखो, ये 10% भी ले लो ना, क्यों क्यों दे रहे हो हमको, ये भी रख लो, ये ऐसा ऑफर माइनॉरिटी भी दे सकती है। फिर उसके बाद में जो ट्रांसफरर कंपनी है कोरस, वो एज एजेंट करके वर्क करेगा, वो सेपरेट बैंक अकाउंट क्रिएट करेगा, टाटा कंपनी से कंसिडरेशन आएगा वो रखा जाएगा उसके अंदर, माइनॉरिटी के 10% शेयर होल्डर्स के हम शेयर्स ले लेंगे, क्लियर है, मेजॉरिटी 90% माइनॉरिटी के 10% के लिए कंसिडरेशन देगा, 60 डेज के अंदर ये हो जाना चाहिए या प्लस 60 डेज मिलेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। उसके बाद में माइनॉरिटी के 10% शेयर डिसीज हो जाए, देन 90% कैन मेक सेम ऑफर टिल 3 ईयर्स। अगर माइनॉरिटी 10% शेयर होल्डर अगर डिसीज हो जाते हैं, मतलब आपने उनको ऑफर दिया बीच में वो डिसीज हो गए, तो 3 साल तक के भी ये ऑफर आप वापस वापस दे सकते हो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना, क्लियर है कंसेप्ट में क्या कह रहा हूं। तो ये चीज को थोड़ा सा याद रखना, यहां एक ट्रिक है, इसको थोड़ा सा बुक में से रीड करना आपको समझ में आएगा कि 1 ईयर का पीरियड बोला है फॉर द पर्पज विथ अ रीजन कि आप 90% शेयर होल्डर माइनॉरिटी के 10% एक्वायर कर सकते हैं 1 साल के बाद भी विथ रीजन, ये भी बोला गया है, इसको थोड़ा सा रीड करना। यह है डिसेंडिंग शेयर होल्डर और माइनॉरिटी शेयर होल्डर, इस चीज को अच्छे से याद रखना चाहिए, तो स्क्रीनशॉट ले लो, कैसा लगा जरूर बताना। चलो डन, नीचे का भी स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू सो मच। डिसेंडिंग शेयर होल्डर कैन क्लेम विद इन 60 डेज बेटा, जरूर। चल हो गया सबका, सबको पसंद आ रहा है, थैंक यू सो मच गाइस, अच्छा लग रहा है मेरे को सुन के कि इट इज हेल्पिंग यू। 235 236 हो गया, अगला है 237। 237 है कंपलसरी एक्विजिशन का, अब इसको मैं थोड़ा सा ब्रॉडर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहता हूँ, ये इसी तरीके से पढ़ाना जरूरी है बेटा, इसलिए जरा सा ध्यान देना। कंपलसरी एक्विजिशन का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट का ये अमल कमीशन मर्जर चैप्टर में एज एम कंपलसरी अमल कमीशन और मर्जर करके यूज किया है, बहुत सारे बच्चे इसका सिचुएशन नहीं जानते और हैवी पढ़ लेते हैं, तो जरा ध्यान देना। इनकम टैक्स एक्ट में कैपिटल गेन चैप्टर में कंपलसरी एक्विजिशन का पावर है फॉर लैंड एंड प्रॉपर्टी। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में एक पावर है कि अगर कोई बैंक फ्रॉड करती है तो सीजी उस बैंक को एक्वायर करके किसी दूसरे बैंक को बेच सकती है। आपको पता है आईडीबीआई बैंक कैसे बना है, 1998 की बात है या 1996 या 8 की बात है, जब यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक ने फ्रॉड किया था तो सीजी ने यूनाइटेड वेस्टर्न को एक्वायर करके आईडीबीआई को बेच दिया था, तब से आईडीबीआई बैंक कमर्शियल बैंकिंग में आया। अदरवाइज आप सोचो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आपके अकाउंट क्यों खोले, वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है, पर वो कमर्शियल बैंक इसलिए बना क्योंकि यूनाइटेड वेस्टर्न को उसने एक्वायर किया था सीजी के बोलने पे,
फिर इंश्योरेंस एक्ट के अंदर भी एक्वायरेशन का पावर है। आपको पता है 1956 में जब LIC बनाया गया था, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, 245 प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस को, 245 प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस को मर्ज करके एक LIC बनाया था। ऐसी LIC इंडिया का सबसे बड़ा इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नहीं है, एवी नहीं है बेटा, 245 को मर्ज करके बनाया गया है, और GIC 1973 में 142 को मर्ज करके बनाया गया है। ये कंपलसरी मर्जर का पावर नहीं तो और क्या है, ये इंश्योरेंस एक्ट में भी प्रेजेंट है, ये सिर्फ आपके लिए नया है कंपनीज एक्ट के अंदर। और कंपनीज एक्ट में ये दिया गया है 237 में, और ये हुआ था सत्यम के केस में 2008-2009 में, जब सत्यम ने फ्रॉड किया था तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सत्यम को एक्वायर किया था, और जो हाईएस्ट बिडर है उसके शेयर के लिए टेक महिंद्रा, उनके साथ मर्ज कर दिया था। ये मर्जर सीजन ने कंडक्ट किया था, इसे हम कहते हैं कंपलसरी एक्विजिशन एंड मर्जर पावर। अब ये होता कैसे है, पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट पहले तो कंपनी को चूज करता है किसका मर्जर होना चाहिए। प्रैक्टिकली अब सेक्शन के अंदर ही तो बोला है दो कंपनी को चूज करके मर्ज कर देगा, पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। हम सत्यम को चूज करेंगे, फिर हम बोलेंगे कि कौन सी कंपनी इसको एक्वायर करने में इंटरेस्टेड है, फिर वो बिडिंग करेंगे, वो बिडिंग सीजी लेगा और उस बिडिंग के हिसाब से फिर कंपनी चूज करेगा। ऐसा नहीं कि जिसने हाईएस्ट बिड प्लेस किया उसको दे देंगे, हाईएस्ट बिड एट द सेम टाइम क्वालिटेटिव कंपनी होना चाहिए। क्लियर है आंसर? तो टेक महिंद्रा थोड़ा सा क्वालिटेटिव कंपनी था, एथिकली कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो टेक महिंद्रा को उठाया, सत्यम को उठाया। ऐसा भी नहीं किया भैया कि भैया स्ट्रेट अवे उठा के TCS को बेच दिया, ऐसा भी नहीं कि कंपटीशन को ही खत्म कर दिया। अगर सत्यम को उठा के TCS को बेचा जाता तो इंडिया का सबसे नंबर वन का कंपनी TCS है, उसमें और बढ़ोतरी हो जाती है और TCS मोनोपोली मार्केट क्रिएट करता था। ऐसा नहीं इंफोसिस को बेचा, तो सीजी डिसाइड करता है अकॉर्डिंग की कॉम्पिटिशन भी टिका हुआ रहे, क्लियर है, कंपनी भी थोड़ा सा इथिकल हो, और इसमें जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को भी कंपनी ठीक से हैंडल कर पाए। आपने देख रहा टेक महिंद्रा इसको अच्छे से हैंडल कर रहा है, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ये कंपनी चूज करता है जो अच्छी है, एक कंपनी चूज करता है फ्रॉडुलेंट है, और फिर ऑर्डर पास करता है कि ये दोनों कंपलसरीली मर्ज हो जाएगी। क्लियर है आंसर? अब जो सत्यम कंपनी के मेंबर्स है इस सिचुएशन में उनके पास पावर्स है, मर्जर के वक्त खुद के डायरेक्शंस दे सकते हैं मर्जर किस तरीके से होना चाहिए, पर इसी कोई गारंटी नहीं है कि सीजी इसको एक्सेप्ट करेगा। दूसरी बात, इनको कंपेंसेशन मिलेगा, सत्यम के मेंबर्स को कंपेंसेशन मिलेगा, ये टेक महिंद्रा देगा। ये कंपेंसेशन सफिशियंट है या नहीं है इसके लिए भी वो अपील कर सकते हैं, वो अपील कर सकते हैं NCLT को, पर NCLT इस केस में एक ही बार डिसीजन देता है और वो डिसीजन फाइनल नॉन क्वेश्चनेबल है, उसके ऊपर कोई अपील नहीं होगा। जैसे कैपिटल गेन चैप्टर में आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो कंपलसरी एक्विजिशन के कंपेंसेशन के लिए, वैसे आप यहां पे 237 में नहीं जा सकते। एक बात और आपने याद रखना, अमलगमेशन मर्जर तो होके रहेगा, अमलगमेशन मर्जर तो होके रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये तो होके रहेगा। आप अपील सिर्फ कंपेंसेशन के लिए कर सकते हो, और NCLT में जो कंपेंसेशन बोलेगा वो फाइनल एंड नॉन क्वेश्चनेबल होगा एज पर वैल्यूएशन। ठीक है, NCLT की अपील आप पढ़ सकते हो, पूरा सेक्शन पढ़ना, इस एंगल से पढ़ना तो आपको जरूर समझ में आएगा। जो मेन एरियाज है वो मैंने सब डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, गो फॉर इट फास्ट। और ये सभी एक्ट में होता है, नियरली सभी एक्ट में ये पावर होता है बेटा, गो फॉर इट फास्ट। PNB ओरिएंटल बैंक भी होगा बेटा। थैंक यू सो मच सुमित, थैंक यू सो मच मिस सी ए आदित्य श्रीवास्तव, थैंक यू सो मच, डन एवरीबडी, थैंक्स अनुराग, थैंक्स कमिका, चलो डन। सो ये है कंपलसरी एक्विजिशन, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, यहाँ 237 खत्म हुआ। अब 238 किस बारे में बोलता है उसके लिए मैं एक बार थोड़ी सी नोट्स ओपन कर दूं, होल्ड। 238 ज्यादा कुछ नहीं बोलता, आई विल जस्ट टेल यू। सेक्शन नंबर 238 डिस्कस करता है कि भाई कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन की अगर कोई स्कीम आपने फाइल की है डिसेंटिंग शेयर होल्डर या किसी के लिए भी, तो 238 में वो स्कीम आपने रजिस्टर करना चाहिए ROC के साथ। बस इतना बोला है 238 के अंदर, इट इज अबाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ स्कीम। स्कीम जो है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के, भले ही डिसेंटिंग शेयर होल्डर या माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की भी स्कीम क्यों ना रहे, पर उनको रजिस्टर करना जरूरी है, दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ 238। सो आ जाइए, ठीक है। सो रजिस्ट्रेशन ऑफ स्कीम देखना क्या बोला है, एवरी सर्कुलर कंटेनिंग सच ऑफर और रिकमेंडेशन ऑफ द मेंबर्स ट्रांसफर कंपनी बाय इट्स डायरेक्शन टू एक्सेप्ट सच ऑफर शॉल बी अकंपनीड बाय सच इंफॉर्मेशन इन अ मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 28। रूल 28 में प्रोसेस दिया है, एवरी सच ऑफर शॉल कंटेन अ स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ ट्रांसफर कंपनी डिस्क्लोजिंग अ स्टेप इट हैज टू टेक टू इंश्योर कैश इज अवेलेबल। उसके बाद में एवरी सच सर्क्यूलर शॉल बी प्रेजेंटेड टू ROC फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड शॉल बी इशूड टू रजिस्ट्रार ऑन कॉन्ट्रावेंशन देर विल बी पेनल्टी ऑफ 1 लाख रुपीज। ये अमेंडेड है और इस सेक्शन का नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफर और स्कीम फॉर ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स।
239 में आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिजर्व करके रखने हैं। जैसे ए कंपनी बी कंपनी में मर्ज हो गया तो ए कंपनी के बुक्स कब तक प्रिजर्व करने पड़ेंगे, तो बोला है अप टू द अप्रूवल ऑफ सीजी, जब तक सीजी इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं कर रहा तब तक। सीजी ने बोल दिया ए कंपनी को चलो तुम मर्ज हो गए बुक्स को खत्म करो तो कर सकते हो। और 240 में बोला है अमल कमीशन मर्जर होने के बाद भी पास्ट एक्ट्स के लिए डायरेक्टर मैनेजर और कंपनी की लाइबिलिटी जैसे की वैसे रहेगी। ये है सेक्शन 240। यहां पे आपका चैप्टर खत्म होता है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन और मर्जर। ये चीज को अच्छे से याद रखना, ठीक है। कोई क्वेरी है तो पूछ लो और फटाफट लाइक ठोको, नियरली 200 लाइक हमको कंप्लीट करना है फटाफट, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। गो फॉर इट फास्ट। रजिस्टर्ड वैल्यू और कवर नहीं होगा उसका लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है बेटा। और लेक्चर वन देखिए सब लोग, जिनको नहीं पता क्या क्या कवर होगा प्लीज लेक्चर नंबर वन देखिए, उसके अंदर मैंने अच्छे से मेंशन किया है। श्वेता जैन जरा खुद भी सर्च कर लो बेटा, हर एक को पर्सनली मैं लिंक नहीं भेज सकता, ये ऑलरेडी मैंने बोल के रखा है। यूट्यूब के ऊपर सर्च करो या फिर मेरे चैनल के वीडियो लिस्ट में सर्च करो, मॉड्यूल अपडेशन सीए दर्शन खरे सर्च करो। ये कैसी बात हुई कि सर लिंक भेजो करके, अब 1000 बच्चों को 280 बच्चों को सेपरेटली लिंक भेजो क्या बेटा सबको? थैंक यू सो मच सया जी, सीएस से हो तो फायदा जरूर होगा आपको। नेक्स्ट ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट चैप्टर लेने वाले बेटा हम। 200 लाइक ठोको फटाफट, लाइक ठोको, 200 लाइक कंप्लीट करो, वीडियो स्ट्रीमिंग बंद कर रहे हैं हम। गो फॉर इट फास्ट। चलो सो अगला स्ट्रीम 5 मिनट के अंदर शुरू हो जाएगा ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का, यही पे रहना, ठीक है। गो फॉर इट फास्ट। थैंक यू सो मच गाइज, अजय, नीरज,